नाम अनिल निषाद है। मैं चाहता हूँ कि केंद्र में और राज्य में बीजेपी का सरकार बने और यहाँ से सीट बदल जाए। यहाँ से जयप्रकाश निषाद विधायक या मंत्री न रहे, कोई अन्य पार्टी का कोई भी बन जाए, लेकिन ये न रहे। तो मिस आप विधायक जी से ना खुश हैं? हाँ, मैं राज्य मंत्री से, बाबा के नाथ राज्य मंत्री से, जयप्रकाश निषाद से मैं ना खुश हूँ। मैं चाहता हूँ समाजवादी पार्टी से राम मोहन निषाद वही योग्य हैं, वही यहाँ से विधायक बने। इसलिए अगर जयप्रकाश निषाद को यहाँ से पार्टी टिकट नहीं दी होती, कैंसिल कर दी होती, तो हम बीजेपी को अपना वोट देते। लेकिन हम मजबूर हैं, मुझे ये नहीं है और कोई और प्रत्याशी भी नहीं है। आपके कहने का मतलब कि विधायक जी फिर से वही हैं? हाँ, जैसे बरहट से सुरेश तिवारी को कैंसिल कर दिए, यहाँ से आकर बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं, उसी तरह से निषाद पार्टी के जो अजय सिंह थे उनको दे दिए होते तो हम वोट दे देते। लेकिन जयप्रकाश निषाद को वोट दिए हैं, इस टिकट दिए हैं, इसलिए हम वोट नहीं देंगे। और सभी माताओं बहनों से मैं ये हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि जयप्रकाश निषाद को वोट मत देना। क्यों विधायक जी से इतना नाखुश क्यों है? इसलिए मैं नाखुश हूँ, विधायक जी के गांव का एक औरत अपने दो लड़कियों से हमारे भाई को जहर दिलवा दी और मैं रिपोर्ट बनवाने के लिए सरकारी अस्पताल में, यही रुद्रपुर के स्वास्थ्य केंद्र में गया। डॉक्टर रिपोर्ट नहीं बनाया, बोल रहा है कि मंत्री तक उसका पहुंच है क्या। मैं बोला हाँ, मंत्री उसका रिश्तेदार है। डॉक्टर साहब बोले मंत्री का दबाव आ रहा है कि रिपोर्ट मत बनाना, इसलिए मैं नहीं बनाऊंगा, मैं फंस जाऊंगा और मेरे भाई को न्याय नहीं मिला। हम लोग परमात्मा से विनती किए, प्रार्थना किए, ये परमात्मा हमको न्याय चाहिए। तो परमात्मा ने उस औरत को 6-7 महीने के अंदर में वह स्वर्ग सिधार गई, मर गई है, तब जाकर हमारे आत्मा को संतुष्टि मिली। तो आप लोग सुनिए विधायक जी की इतने कारनामे में इस वजह से ये नाखुश है, ये उनके साथ हुआ। हमारा भाई आज भी अपाहिज है, व्हील चेयर पर आ गया था, वह परमात्मा की कृपा से वह जिंदा है, माता रानी की कृपा से जिंदा है, लेकिन वह विधायक की कृपा नहीं है। भैया जी का कहना यही है कि अगर भाजपा ने किसी और को उठाया होता तो वो वोट भाजपा को ही देते, लेकिन उन्होंने वर्तमान विधायक को उठाया है, इसलिए वो वोट उनको नहीं देंगे।